बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्मा। सो फ्रेंड आज मैं लेके आई हूं आप सबके रिक्वेस्ट पे एक हेयर मास्क की वीडियो, जो कि मैंने खुद ट्राई किया। आप देखेंगे मेरे हेयर पहले के दिन रफ थे, इसके बाद सिर्फ स्मूथ हो जाएंगे। तो आप वीडियो में आगे देखेंगे, आपको पता ही है मैं हेयर की वीडियो बनाती हूँ, तो मैं कॉम्बी वगैरह एंड हेयर स्टाइल बहुत ट्राई करती हूँ, जिसके कारण मेरे हेयर काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। इसलिए मैं वीक में एक बार मैं इसी हेयर मास्क को यूज़ कर लेती हूँ या फिर कई बार चेंज भी कर लेती हूँ। तो प्लीज़ इस हेयर मास्क पे एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, उसके बाद जो भी रिजल्ट आपको मिले उसके मुझे आके कमेंट में बताइएगा आपको रिजल्ट क्या मिला। 100 to 10% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये मेरा दावा है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। सो अगर थोड़ी सी वीडियो आपको हेल्पफुल अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो फ्रेंड सो देख लेते हैं कि हमें इस मास्क को बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया प्लास्टिक का, आप कांच या प्लास्टिक का ले सकते हो, आपको स्टील का नहीं लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे एग, यहाँ पे मैं 2 एग ले रही हूँ अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग, आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग ले सकते हो। तो अगर आपकी जो स्कैल्प बहुत ऑयली है तो आपको ओनली वाइट पार्ट लेना है, नॉर्मल है तो फिर आप दोनों पार्ट ले सकते हो, मतलब पूरा एग। इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे दही, जो के लिए मैंने 4 स्पून, आप अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग मिक्स करें। यहाँ पे 4 चम्मच मैं दही ले रही हूँ, घर का दही हो तो बेस्ट है। तो वैसे मिक्स करना थोड़ा सा, उसके बाद हम डालेंगे ऑलिव ऑयल। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल, जो कि मैं ले रही हूँ 2 टेबल स्पून। इसके बाद हम लेंगे कैस्टर ऑयल, जो कि लूंगा मैं 1 स्पून। और हाँ फ्रेंड, अगर आपको प्रॉब्लम है एग से तो आप एग को स्किप करके बाकी सभी चीज़ें ले सकते हो, थोड़ी सी आपको स्मेल भी आएगी लास्ट में। तो इसके लिए हम डालेंगे, यूज़ करेंगे एग चीज़ मैं बताऊंगी। इसके बाद मैं लूंगी 1 स्पून हनी, क्योंकि आपको पता ही है मॉइस्चर का बहुत अच्छा सोर्स है हनी भी। सो फ्रेंड ये चीज़ है एसेंशियल ऑयल, आपके पास कोई भी एसेंशियल ऑयल तो आपको 5 से 6 ड्रॉप डाल सकते हो, ये जो एग की स्मेल है उसे कम करेगा। एंड फ्रेंड अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप लेमन भी डाल सकते हो, उसकी जगह पर मैंने डाला ये ट्री एसेंशियल ऑयल, जो कि हमें डैंड्रफ का भी काम करेगा एंड स्कैल्प की जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसे दूर करेगा एंड इसकी जो स्मेल होती है उसे भी कम करेगा। तो लेमन हो आपके पास अवेलेबल तो लेमन भी आपको डाल लेना है, आधा या एक। तो इसे अच्छे से मिक्स करना, और फ्रेंड अगर आप इसे ब्लेंड कर लें मिक्सी में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो अपने हेयर है उसको टैंगल फ्री कर लेना है, आपको अच्छे से कॉम कर लेना है और सेंटर पार्टीशन करेंगे हम, और आपके हेयर बिल्कुल टैंगल फ्री होने चाहिए फ्रेंड, अच्छे से कॉम कर लेना, उसके बाद ही हेयर पैक को लगाना है अच्छे से। और हाँ फ्रेंड इस पैक को आप स्कैल्प से लेके रूट्स तक लगाइएगा, इसमें कोई भी जो प्रोडक्ट है कोई भी ऐसा इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके स्कैल्प को या हेयर को नुकसान करे, हार्म करे, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आप स्कैल्प से रूट्स तक लगा सकते हो। ये देखिए मैं थोड़ा सा मिक्सर से बार लगाऊंगी, और फ्रेंड प्लीज़ आप ब्लेंड कर लीजिएगा इस पेस्ट को। तो मैं अच्छे से लगा लूँगी, और फ्रेंड आपको एक एक स्ट्रेंथ लेते हुए आपको अच्छे से लगाना है हेयर लेंथ में बिल्कुल अच्छे से, इससे आपके जो हेयर हैं काफ़ी सिल्की हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। आपको स्कैल्प पर सिंपल लगाना है, देखिए मैं स्कैल्प लगा रही हूँ पहले अच्छे से, उसके बाद मैं अपने हेयर लेंथ पे लगाऊंगी। अच्छी तरह पूरे हेयर्स में लगा लेना फ्रेंड, अगर फ्रेंड आपको एग से एग की स्मेल या एग से आपको प्रॉब्लम है तो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा, इसके अलावा सभी जो चीज़ें हैं वो ले सकते हो आप, दही एंड सभी ऑयल्स वगैरह आप ले सकते हो। ये देखिए आपको लेंथ में भी अच्छे से लगा लेना है हेयर के, ताकि जो आपके हेयर्स हैं काफ़ी सॉफ्ट एंड मैनेजेबल बनेंगे। तो
अगर प्लीज़ ब्लेंडर करके लगाइएगा तो फिर आपको जो पेस्ट बिल्कुल स्मूथ होगा, जैसे थोड़े पार्टिकल दिख रहे हैं आपको दही के, वो आपको नहीं नज़र आएंगे अगर आप बिल्कुल ब्लेंड कर लेंगे तो। और हाँ फ्रेंड, इस जो पैक को लगाना है आपको वॉशरूम में या फिर किसी ऐसी जगह जहाँ आपको गिरने का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत लिक्विड ही है तो गिरता है थोड़ा सा। या फिर एक ब्रश भी ले सकते हो आप, अच्छे से लगा लेंगे। पूरा पूरा मैंने लगाया है तो मैं सभी को पूरे पैक ख़त्म करके उसके बाद मैं एक बन बना लूँगी। और फ्रेंड इसे आप 20 से 25 मिनट छोड़ सकते हो, ज़्यादा टाइम ना, 15 से 20 मिनट भी इनफ होगा। ये देखिए पूरा मैंने पैक लगा लिया, आपको अच्छे से लगा लेना, वेस्ट नहीं करना, बहुत अच्छा पैक है फ्रेंड। और फ्रेंड प्लीज़ जो भी रिजल्ट मिले प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आके कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और फ्रेंड प्लीज़ वीक में एक बार तो आप ज़रूर लगाइएगा इस पैक को, और फर्स्ट बार में आपको रिजल्ट मिल जाएगा फ्रेंड, एक बार के यूज़ में ही आपके जो हेयर काफ़ी मैनेजेबल एंड सिल्की बन जाएंगे। उसके फ्रेंड प्लीज़ आप शावर कैप लगा लीजिएगा, अभी मैंने शावर कैप पहन लिया है, या फिर कोई लिफाफा भी लगा सकते हो पॉलीथीन। ये देखिए मैं थोड़ा सा क्लोज करके दिखाया आपको हेयर वॉश करने के बाद, आगे आप देखेंगे काफ़ी अच्छा पैक है फ्रेंड, प्लीज़ यूज़ कीजिएगा एक बार प्लीज़। मैंने 15 से 20 मिनट के बाद अपने हेयर को वॉश कर लिया फ्रेंड्स, तो मेरे जो हेयर है काफ़ी मुझे सिल्की स्मूथ लग रहे हैं सच में फ्रेंड। आप एक बार इस मास्क को जरूर ट्राई कीजिएगा, जो भी रिजल्ट मिले आपको मुझे जरूर बताइएगा एंड कमेंट में आपको बताइएगा। एंड कोई और भी मास्क आपको अगर चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं बता दूँ। तो फ्रेंड इसकी सेमी अगर आप यूज़ करते हो एक बार तो आपके जो दोनों बाल होते हैं उसकी प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक काफ़ी कम हो जाएगी, एंड जो डैमेज हेयर होते हैं वो भी काफ़ी स्मूथ एंड सिल्की हो जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा फ्रेंड। काफ़ी अच्छा है हेयर मास्क फ्रेंड, इसके हेल्प से मेरे हेयर काफ़ी मुझे स्मूथ एंड सिल्की लग रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ एक बार ट्राई करके मुझे बताइएगा जरूर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड फ्रेंड मैं जल्दी ही ना हेयर पैक की वीडियो लेकर आऊँगी, अगर आपको देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो वीडियो हिना हेयर पैक की, तो मैं लेकर आऊँगी जल्दी से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।